मूवी की स्टार्टिंग इनक्रेडिबल वन मूवी के बाद से होती है, जहां सिटी पर अंडर माइनर ने हमला कर दिया था और इनक्रेडिबल फैमिली उनसे लड़ने के लिए चली गई थी, लेकिन वॉयलेट को वहीं रुककर जैक जैक को संभालने को कहा गया था, जिससे वॉयलेट को गुस्सा आ गया था और उसने अपना मास्क उतारकर नीचे फेंक दिया था, जिसे उसके दोस्त टोनी ने उसे पहचान लिया कि यह तो उसकी क्लासमेट है, इसीलिए उसकी याददाश्त मिटा दी गई। फिर दिखाया जाता है कि बॉब उस अंडर माइनर की रिग मशीन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अंडर माइनर अपनी की मदद से पूरे बैंक को ही जमीन के अंदर ले आता है और पूरा बैंक लूट लेता है। बॉब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई में वो रिग मशीन का कंट्रोल टूट जाता है और अंडर माइनर सारा कैश लेकर भाग जाता है, लेकिन रिग आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके ऊपर आ जाती है और सभी सुपर हीरो उसे सिटी हॉल तक पहुँचने से रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी फ्रोजन भी वहाँ आ जाता है और अपनी पावर से उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है। इसी के साथ में जैक जैक को कभी वॉयलेट संभाल रही थी तो कभी डैश संभाल रहा था। आखिरकार इलास्टिकल उस मशीन के अंदर कूद जाती है और वो उसके इंजन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती। फिर बॉब वहाँ आता है और दोनों मिलकर उस मशीन को ऑफ कर देते हैं। इनक्रेडिबल फैमिली ने जहाँ लोगों को बचाया था, लेकिन पुलिस इस चीज का उल्टा ही मानती थी। वह सोचती थी कि इन लोगों ने काफी ज्यादा नुकसान किया है, अब रिक भी इनकी मदद ज्यादा नहीं कर सकता था। इसी कारण अब जो घर इन्हें दिया गया था वो इनसे ले लिया गया था और उन्हें एक होटल दिया गया था जिसमें वो सिर्फ 2 हफ्तों तक रुक सकते थे। बॉब और इलास्टिकल काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इलास्टिकल बॉब से कहती है कि हम दोनों को मिलकर ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और तभी वहाँ फ्रोजन आ जाता है और उन्हें बताता है कि हमने जो आज दुनिया को बचाने का काम किया था उससे इम्प्रेस होकर देवटेक के सीईओ ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है। इलास्टिकल पहले तो जाने से मना कर देती है और कहती है कि यह सब फेक है और भला हमें कोई क्यों बुलाएगा, लेकिन बॉब इलास्टिकल को समझाता है कि एक बार चलकर देख लेते हैं, वैसे भी हमारे पास अभी कोई जॉब नहीं है, शायद इससे हमारी कोई मदद हो जाए। इसी कारण वो फ्रोजन के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बुलाया गया था। वहां उनकी मुलाकात विंस्टन से होती है, जो एक बहुत ही बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी देवटेक का सीईओ होता है और वह सुपर हीरो का बहुत ही बड़ा फैन था। उसके साथ उसकी एक बहन काम करती है जिसका नाम एवलिन था, वो पेशे से एक इंजीनियर थी। विस्टन बताता है कि हमारे पेरेंट्स सुपर हीरो के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए वो सुपर हीरो की हमेशा मदद करते थे और उनके पास सुपर हीरो का पर्सनल नंबर भी था। लेकिन एक रात हमारे घर में चोर घुस आए और मेरे फादर ने सुपर हीरो से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय सुपर हीरो को इल्लीगल कर रखा था, इसी कारण वो उनकी हेल्प के लिए नहीं आ पाए, जिससे मेरे पेरेंट्स की जान चली गई। फिर विंस्टन उन सभी को बताता है कि आप सभी सुपर हीरो के इल्लीगल होने की असली वजह लोगों का नजरिया है, क्योंकि जब आप लोगों को बचाते हैं तो लोग नहीं देखते कि आप सुपर हीरो ने लोगों को कैसे बचाया है, लोग बस तबाही देखते हैं जो मीडिया हमें बताती है। इसीलिए मैंने और मेरी बहन ने मिलकर तुम लोगों के लिए एक नई चीज इन्वेंट की है, जैसे कि इस कार्ड के अंदर कैमरा लगा है, उसी तरीके से हम तुम्हारे ड्रेसेस के अंदर भी कैमरा लगा देंगे, जिससे वो हर चीज रिकॉर्ड होगी जो आप लोगों को बचाने के लिए करते हैं। मतलब विंस्टन ये चाहता है कि सुपर हीरो वापस से लीगल हो जाए और हम सभी लोगों की मदद कर सकें। इसके लिए विंस्टन सबसे पहले इलास्टिकल को चुनता है, क्योंकि वही है जिसने अभी तक सबसे कम नुकसान किया था। लेकिन ये बात बॉब को अच्छी नहीं लगती, वह कहता है कि ज्यादा पावरफुल तो मैं हूँ, तो फिर इस काम के लिए तो मुझे चुना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वह इलास्टिकल की खुशी में खुश होता है। इलास्टिकल बॉब से कहती है कि तुम अगर चाहो तो मैं मना कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर बच्चों को संभालती हूँ और वहाँ पर तुम भी जा सकते हो। तो बॉब कहता है कि नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बच्चों को संभाल सकता हूँ। और अब विंस्टन इनक्रेडिबल फैमिली को रहने के लिए बंगलो ऑफर करता है, जो कि बहुत बड़ा और आलिशान होता है। इसी के साथ में उसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज होती है। बच्चे उस घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इलास्टिकल अपने मिशन के लिए जाती है और अब बॉब घर पर बच्चों को संभाल रहा होता है। विंस्टन इलास्टिकल को न्यू अर्बन ले जाता है, क्योंकि उन्हें न्यूज मिली थी कि आज वहाँ मेट्रो की स्टार्टिंग सेरेमनी होनी है और उसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, तो इलास्टिकल वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ इलास्टिकल देखती है कि अभी तक मेट्रो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और मेयर रिबिन काटते हैं और सभी लोग मेट्रो में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने लग जाती है। लेकिन ट्रेन सीधी नहीं बल्कि अपोजिट साइड में जा रही थी, जहाँ पर ज्यादा दूर तक रेलवे ट्रैक नहीं बना हुआ था। इलास्टिकल फुल स्पीड से ट्रेन का पीछा करने लगती है और पूरे ट्रैफिक को पार करते हुए ट्रेन के ऊपर पहुँचती है। इलास्टिकल इंजन को ट्रेन से अलग कर देती है ताकि वो ट्रेन को रोक सके, क्योंकि वो ट्रेन का लास्ट स्टॉप था और इसके आगे पटरी नहीं थी। वो खुद को पैराशूट में बदलकर ट्रेन को रोक लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर
पीछे से इंजन आकर बाकी की मेट्रो को काफी जोर से हिट करता है। लेकिन अभी भी ट्रेन नीचे नहीं गिरी थी और किसी को कोई चोट भी नहीं लगी थी, सभी लोग बच चुके थे। सीन तभी बॉब पर शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बॉब जेकजेक को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे खुद ही नींद आ जाती है और जेकजेक घर से बाहर चला जाता है और वो एक जंगली जानवर से फाइट करने लग जाता है। तब हमें पता चलता है कि जेकजेक के पास बहुत सारी पावर है, जैसे कि वो आग निकाल सकता है, आंखों से लेजर चला सकता है, बिजली के झटके दे सकता है, मॉन्स्टर बन सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। तभी बॉब के शोर की वजह से नींद खुल जाती है तो वो देखता है कि जेकजेक एक जानवर से लड़ रहा है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि जेकजेक के पास इतनी सारी पावर है। फिर बॉब को इलास्टिकल का फोन आता है और वो आज जो भी हुआ था वो सब बॉब को बताती है कि कैसे उसने ट्रेन को रोका। लेकिन बॉब इन सारी बातों को सुनने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें मेरे साथ होनी चाहिए थी, यानी कि टीवी के ऊपर जो न्यूज आ रही थी वह मेरी आनी चाहिए थी। बॉब यहाँ अपने बच्चों के साथ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। डेश की मैथ की बुक चेंज हो गई थी और बॉब को सिर्फ अपने टाइम की मैथ आती थी, इसीलिए वो डेश की हेल्प नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी बॉब पहले खुद पूरी रात बैठकर स्टडी करता है और उसके बाद में डेश का पूरा होमवर्क करवाता है। यहाँ वॉयलेट को यह पता नहीं था कि टोनी की याददाश्त मिटा दी गई है, इसीलिए वह उससे पहले जैसे ही बात करती है। लेकिन टोनी इसका रिप्लाई नहीं करता और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इस बात से वॉयलेट काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। यहाँ इलास्टिकल का एक इंटरव्यू चल रहा था, तब उसे पता चलता है कि स्क्रीन को किसी ने हैक कर लिया है, जिससे अब इंसान हिप्नोटाइज हो गए हैं और उन सभी को स्किन स्लेवर कंट्रोल कर रहा था। वह सभी को बोलने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि सब स्क्रीन के गुलाम हैं। और वो इलास्टिकल से कहता है कि मैं एम्बेसडर का हेलीकॉप्टर हाईजेक करने वाला हूँ और अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। इलास्टिकल देखती है कि सारे के सारे लोग इल्यूजन के अंदर है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर वो एम्बेसडर को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पर जाती है। वो देखती है कि सभी पायलट इल्यूजन के अंदर है तो वो उन्हें तो इल्यूजन से बाहर निकाल लेती है, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर उस पर अटैक करते हैं तो वो सभी लोगों को पानी में कूदने को कहती है। लेकिन एम्बेसडर को स्विमिंग नहीं आती थी, इसी कारण इलास्टिकल खुद पैराशूट बनकर एम्बेसडर को बचाती है। यहाँ वॉयलेट को घर पर पता चलता है कि उसके फादर ने ही रिक को कहकर टोनी की आदर्श मिटाई है। वहीं दूसरी तरफ इलास्टिकल को सिटी के अंदर हर जगह पर अप्रिशिएट किया जा रहा था, यानी कि जैसा विंस्टन चाहता था वैसा ही हो रहा था। अब हर लोग सुपर हीरो को पसंद करने लगे थे, इसी कारण विंस्टन चाहता था कि उसकी क्रूज पर काफी बड़ी पार्टी हो जहाँ पर दुनिया भर के लोग आए। इसी कारण वो दुनिया में छिपे सभी सुपर हीरो को ढूंढ कर लाया था। अब इलास्टिकल सभी से मिलती है, जिसमें से हर एक सुपर हीरो के अंदर अलग अलग पावर थी, जिसमें से एक थी वॉइड, जो कि इलास्टिकल की बहुत ही बड़ी फैन थी। पार्टी चल रही होती है लेकिन इलास्टिकल साइड में एवलिन के पास बैठी थी। एवलिन इलास्टिकल से कहती है कि हम लोगों को हमेशा किसी न किसी के अंडर काम करना पड़ता है, जैसे कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के अंडर काम करना पड़ता है तो मुझे मेरे भाई के अंडर करना पड़ता है। इलास्टिकल एवलिन को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बॉब टोनी के बारे में रिक से पता करता है तो रिक उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का एक रेस्टोरेंट है जहां टोनी भी काम में हाथ बटाता है। ये सुनकर बॉब वॉयलेट को मनाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन बॉब को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एकदम उसके सामने टोनी आके खड़ा हो जाएगा। वॉयलेट उसे देख बॉब पर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब यहां पर इलास्टिकल एवलिन के साथ में मिलकर एक प्लान बनाती है ताकि वो स्किन स्लेवर को पकड़ सके। वो कहती है कि मुझे एक बार स्क्रीन पर इंटरव्यू देना है और जैसे ही मैं इंटरव्यू दूंगी तो स्किन स्लेवर मुझे परेशान करने जरूर आएगा। और इलास्टिकल ने बिल्कुल सही सोचा था। जैसे ही इलास्टिकल लाइव आती है तो स्किन स्लेवर सारी की सारी स्क्रीन को हैक कर लेता है और सुपर हीरो के बारे में गलत बोलने लग जाता है, ऐसी बातें जो सुपर हीरो के बारे में बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन इतनी देर में इलास्टिकल ट्रैकर की मदद से पता लगा लेती है कि स्किन स्लेवर कहाँ है। वो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां इलास्टिकल को एक ऐसा इल्यूजन वाला रूम दिखता है जहां पर सारी स्किन के ऊपर ऐसा इल्यूजन था जिसे देखकर कोई भी कंट्रोल में आ सकता था। और उसी के बाद ही वो स्किन सेलेबर भी इलास्टिकल के सामने आ जाता है। इनके बीच में एक छोटी सी फाइट होती है लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है। लेकिन इलास्टिकल को यह सारी चीजें बहुत इजी लग रही होती है। उसने सोचा कि ये इंसान इतना जल्दी पकड़ में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इधर इनक्रेडिबल जो कि एक बहुत ही बड़ा सुपर हीरो है
है। अपने बच्चों को संभालता संभालता काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था। जैक जैक के पास बहुत सारी पावर होने की वजह से वो बॉब को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, इसीलिए वो फ्रोजन को भी अपने घर पर बुलाता है ताकि वो भी देख सके कि जैक जैक के पास कितनी पावर है। फ्रोजन बॉब को कहता है कि तुम्हें इसका कोई ना कोई उपाय सोचना होगा, क्योंकि तुम कब तक जैक जैक के पास रहोगे, ये कभी भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बॉब जैक जैक को लेकर अपनी पुरानी फ्रेंड एडना के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसके लिए सुपर सूट बना सके और वो फिर खुद को नुकसान न पहुंचा सके। एडना जैक जैक को देखकर कहती है कि ये बच्चा नॉर्मल है, इसमें कोई सुपर पावर नहीं है। तभी वहाँ पर जैक जैक स्टार्ट हो जाता है अपनी एक के बाद एक सुपर पावर दिखाने के लिए। एडना ये सारी सुपर पावर देखकर बॉब को कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, इसका ध्यान मैं रख लूंगी और इसके लिए कल तक सुपर सूट भी बना दूंगी। वहीं दूसरी तरफ विस्टन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उसी वक्त इलास्टिकल को कुछ प्रॉब्लम लगती है। वो एवलिन से बात करती है कि शायद जिस पिज्जा बॉय को पकड़ा था वो स्किन सेलेबल हो ही नहीं, और अगर वो हुआ भी तो हो सकता है वह किसी और के कंट्रोल में हो। और उसे सारी बात समझ में आ चुकी थी कि एक ऐसा ग्लासेस है जिसे उस पिज्जा बॉय को पहनाया गया था, लेकिन तभी एवलिन उसे वही ग्लासेस पहना देती है। और तभी हमें पता चलता है कि इस कहानी का मेन विलन तो एवलिन है। वहीं दूसरी तरफ बॉब वापस एडना के पास जाता है जैक जैक को लेने के लिए। एडना बॉब को बताती है कि उसने जैक जैक के लिए बहुत ही शानदार सूट बनाया है, हमेशा वो टेस्ट करने के लिए एक डमी रखती है, लेकिन इस बार वो सारे टेस्ट जैक जैक पर ही करेगी क्योंकि जैक जैक काफी ज्यादा स्ट्रांग और सुपर पावर से बना हुआ था। एडना ने उसकी हर सुपर पावर के अकॉर्डिंग ही उसका सूट बनाया था। वहीं दूसरी तरफ एवलिन ने इलास्टिकल को पकड़ कर रखा हुआ था। वो इलास्टिकल को बताती है कि मुझे तुम सुपर हीरो से हमेशा से ही नफरत थी, तुम हम लोगों को कमजोर बनाते हो, हम हमारी हेल्प खुद कर सकते हैं, और जब विंस्टन क्रूज पर जाकर तुम सब लोगों को लीगल बनाने की कोशिश करेगा तो मैं ये सारा प्रोग्राम बिगाड़ दूंगी और सभी लोगों को बताऊंगी कि तुम सुपर हीरो कोई काम के नहीं हो। बॉब घर आकर डैश और वॉयलेट को भी जैक जैक की सुपर पावर दिखाता है। साथ ही वो बताता है कि एडना ने ये रिमोट बनाया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जैक जैक कहाँ है और यह कौन सी पावर यूज करने वाला है। तभी बॉब के पास में एवलिन का कॉल आता है कि जितना जल्दी हो सके पहुँच जाओ, इलास्टिकल कुछ सही बिहेव नहीं कर रही है। बॉब वहाँ पर फ्रोजन को कॉल लगाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर बच्चों को संभालो, मुझे कहीं बहुत जल्दी पहुँचना है। फ्रोजन के पहुँचने से पहले ही बाकी के सुपर हीरो डैश और वॉयलेट के पास पहुँच चुके थे, लेकिन इन सारे लोगों ने एवलिन के ग्लासेस पहन रखे थे यानी कि ये एवलिन के कंट्रोल में थे। तभी वहाँ फ्रोजन आता है और बच्चों को यहाँ से भागने को कहता है। डैश उसी टाइम पर काफी समझदारी वाली चीज करता है, वह अपनी फादर की कार को घर पर बुला लेता है जो कि एक सुपर कार थी। फ्रोजन दोनों बच्चों की कार में वही सेट करवाता है। फ्रोजन भी उस कार में बैठने ही वाला होता है कि तभी उसको भी वो ग्लासेस पहना दिए जाते हैं, इसी कारण उसका माइंड भी चेंज हो जाता है। इसी कारण डैश वॉयलेट और जैक वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बॉब जहाँ अपनी वाइफ को बचाने के लिए आया था, लेकिन ये भी एवलिन की चाल थी और उसे भी पागल बनाकर वही ग्लासेस पहना दिए जाते हैं। अब यहाँ वॉयलेट और डैश को सारी कहानी समझ में आती है कि इन सभी के पास में अपना माइंड कंट्रोल नहीं है और उन्हें कोई ना कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ हम ही बचे हैं, हमें बाकी सुपर हीरो को भी बचाना है और अपने मॉम डैड को भी। फिर वो तीनों मास्क पहन लेते हैं और देवते की तरफ निकलते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो सब क्रूज में निकल चुके थे। तभी डैश सोचता है कि काश ये कार पानी के अंदर भी चल पाती, कि तभी ये बात वो कार कैप्चर कर लेती है और अब वो सुपर कार पानी के अंदर भी चलने लगती है। यहाँ अनाउंसमेंट का टाइम नजदीक आ रहा था जहाँ पर क्रूज में काफी बड़े बड़े लोग यानी कि एम्बेसडर और सुपर हीरो भी थे, और अब बच्चे उसी क्रूज के अंदर पहुँच जाते हैं। वो इले डैश को कहती है कि तुम डैश को संभालो, मैं एक बार मम्मी पापा को ढूंढ कर आती हूँ। लेकिन जैक जैक अपनी पावर की मदद से भाग जाता है और डैश और वॉयलेट उसे ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ वो मोमेंट आ चुका था जहाँ पर सारे सुपर हीरोज को लीगल किया जा रहा था, लेकिन इन लोगों का माइंड कंट्रोल एवलिन कर रही थी। अब ये तीनों वहाँ लाइव आकर सारी उल्टी सीधी चीजें बोलने लगते हैं कि जो भी ये सेरेमनी देख रहा है वो सभी इंसान अपनी खुद की हेल्प खुद से करें, और आप लोग कमजोर हैं इसी वजह से आप हमें वापस लाना चाहते हैं। और वह तीनों वहाँ तबाही मचाने लगते हैं और क्रूज को शहर की तरफ मोड़कर उसका कंट्रोल
कंट्रोल तोड़ देते हैं कि तभी जैक अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो फ्रोजन और इलास्टिकल थी। जैक को अपनी मम्मा के चेहरे पर वो ग्लासेस पसंद नहीं आते और वो अपनी पावर से इलास्टिकल के ग्लासेस हटा देता है। तभी इलास्टिकल होश में आ जाती है और उसी के बाद में वो बॉब की और फ्रोजन की भी ग्लासेस हटा देती है। अब ये क्रूज काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब ये इतना बड़ा शिप सिटी के अंदर चला जाता तो काफी ज्यादा नुकसान होता, इसी कारण हमें इसका रास्ता बदलना पड़ेगा। लेकिन तभी इन्हें रोकने के लिए बाकी के सुपर हीरो आ जाते हैं जिन्होंने वो ग्लासेस लगा रखे थे। अब वो सारे इलास्टिकल, फ्रोजन और बॉब के आगे आ रहे थे लेकिन जैसे तैसे करके वो उनके भी ग्लासेस हटा देते हैं। एवलिन ये देख कि सब उसके कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं वो जेड लेकर अपने भाई के साथ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन विंस्टन समझ जाता है कि वो कुछ गलत कर रही है और वो जेड से नीचे कूद जाता है। इलास्टिकल एवलिन को पकड़ने के लिए उसके जेट में जाती है और दूसरी तरफ बॉब और फ्रोजन शिप को बाहर से मोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि शिप का कंट्रोल खराब हो गया था। एवलिन जेट में ऑक्सीजन ऑफ कर देती है जिससे इलास्टिकल बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी वो गन से एवलिन पर अटैक करती है और वो जेट से बाहर जाकर गिरती है। फिर इलास्टिकल उसे बचाकर शिप पर ले आती है। अब क्रूज बिल्डिंग से टकराने ही वाला होता है कि फ्रोजन वहाँ बहुत सारी बर्फ जमा देता है जिससे वो सब बच जाते हैं और किसी को भी कोई चोट नहीं आती। एवलिन को पुलिस पकड़ लेती है और अब कोर्ट भी सभी सुपर हीरो को लीगल कर देती है। वॉयलेट भी वापस से टोनी से दोस्ती कर लेती है। वह दोनों मूवी जाने वाले थे लेकिन इनक्रेडिबल फैमिली उनके साथ में आ चुकी थी और उसी समय उन्होंने देखा कि यहाँ पर फायरिंग चल रही है और वॉयलेट एक सुपर हीरो होने का फर्ज अदा करती है। उसने वहाँ टोनी से बोला कि मैं मूवी स्टार्ट होने से पहले पहुँच जाऊंगी और सभी मास्क लगा लेते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।